देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे एक दिन पहले 4 दिसंबर को उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन कर शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया था। नियम और निर्देश के मुताबिक विपक्षी दलों को भी शपथ लेने के लिए आमंत्रित करना होता है। इसके मुताबिक फडणवीस ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ नेता शरद पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन किया था। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। जब इस बारे में फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा, शरद पवार को फोन किया। शरद पवार ने कहा कि वह नहीं आ पाएंगे क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए शुभकामनाएं दी। फडणवीस ने आगे कहा कि शपथ ग्रहण में उद्धव ठाकरे को भी बुलाया गया था। हमारी अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बधाई दी और मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि अगर शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के नेता आते तो मुझे अधिक खुशी होती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2019 में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, क्या राजनीति में करवाहट के कारण विपक्ष नहीं आया? जब यह सवाल पूछा गया तो फडणवीस ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, कभी लोग आते हैं कभी नहीं आते हैं। फडणवीस जो भारी बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं ने कहा कि वह विपक्ष को उनकी संख्या के आधार पर नहीं आंकेंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं उनकी समस्याओं को भी सुनूंगा। फडणवीस ने कहा कि पिछले 5 साल चुनौतियों से भरे थे। उन्होंने कहा कि साल 2019 में जनादेश मिलने के बाद भी उद्धव ठाकरे ने हमें धोखा दिया। हमने 2.5 साल तक लड़ाई लड़ी और उस समय हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ रहे। मैंने कभी किसी पोस्टिंग के लिए पैसे नहीं लिए और मेरे सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। इस तरीके की बातें देवेंद्र फडणवीस ने कही है। आपको बता दें कि मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली थी। उनके सामने महायुति गठबंधन के नेताओं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी शपथ ली। जरा देखिए देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण का ये वीडियो। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सच्चर विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।